अलीगढ़ से हाथरस एक शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने आए स्कॉर्पियो सवार लोगों के साथ एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जिसमें स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि हाथरस जिले के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नगला प्रताप चौराहे के पास स्कॉर्पियो कार में शाम शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान को बचाया। वहीं स्कॉर्पियो कार में आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पा लिया। इस दौरान काफी देर तक आगरा अलीगढ़ हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रामनरेश, ये आपकी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? विजयनगर से हाथरस। हाथरस कहाँ? कोई शादी समारोह जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कितने लोग थे इसमें? आठ लोग। तो विजयगढ़ की गाड़ी है? कहाँ की है? हाँ, विजयगढ़ की। सब बगिया है। बगिया। तो यार गाड़ी में आग कैसे लगी, किस कारण लगी है? सर, गाड़ी चला रहे थे हम, चलाते चलाते एक साइड से उठते ही मैंने गाड़ी रोक के बोनट खोला, तब तक इसमें आग लग चुकी थी पूरी गाड़ी। तो जामे जो सवार थे वो, उन्होंने कैसे जान बचाई अपनी? खिड़की खोल के, मैंने तुरंत ही खिड़की खोल दी तो निकल के भाग गए। कोई कैसे, कोई कोई घायल तो नहीं हुआ? कोई झुलसा वगैरह? घायल कोई नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग? विजयगढ़। सब विजयगढ़ के रहने वाले हैं? ऊपर के आसपास। बघियार गांव। बघियार गांव। तो आप भी वहीं के हैं? हाँ। आप चालक हैं कि मालिक हैं? सर, ये मैंने गाड़ी अभी ली थी, अभी ट्रांसफर नहीं हो पाई है। अच्छा अच्छा, तो कहीं शादी समारोह में जा रहे थे आप? हाँ जी। नाम क्या आपका? राम नरेश। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज़ चैनल।